समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। श्री गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज सिकरी बाजार झांसी में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप के बौद्धिक सत्र में अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक मॉक ड्रिल का आयोजन। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आवास सेवा के वरिष्ठ अग्नि सचेतक कुमारी प्रगति शर्मा के संयोजन में व अग्निशमन अधिकारी राम के शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य जयश्री दासानी ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में LFM जगत सिंह, फायर ऑफिसर जितेन्द्र नायक एवं आशीष यादव उपस्थित रहे। मॉक ड्रिल में रोवर रेंजर्स, NSS के छात्र छात्राओं व प्रवक्ता गणों को आग के प्रकार, आग बुझाने के विभिन्न तरीके और खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग जाने पर उसे आसानी से बुझाने का तरीका आदि बताते हुए प्रयोगात्मक विधि से भी अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना बताया। इस अवसर पर प्रवक्ता डॉ. सुधीर त्रिपाठी, कार्यक्रम अधिकारी राम कुमार वर्मा, डॉ. सुनीता जैन, मनीषा पांडे आदि उपस्थित रहे। संचालन अग्नि सचेतक दीप शिखा शर्मा व आभार कॉलेज प्राचार्य डॉ. जयश्री दासानी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रगति शर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई। मैम, आज राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप में अग्निशमन विभाग द्वारा छात्राओं को किस प्रकार से जागरूक किया गया? NSS के कैंप का आज 5th डे है और साथ में रोवर रेंजर्स का भी कैंप चल रहा है। फायर सर्विसेज से आए हुए लोगों ने इन्हें बहुत अच्छी जानकारियां दी। सिलेंडर में यदि आग लग जाती है तो कैसे बचाना है, बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है और निश्चित रूप से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। घर में जाकर ये बच्चे जरूर बताएंगे, अपने माताओं पिताओं को, सभी को इस बात से अवगत कराएंगे। तो निश्चित तौर से यदि ये इसी तरीके से चेन चलती रही तो आग से जलने वाली चीज़ों में आग से होने वाले नुकसान और जान माल की जो हानि होती है वो निश्चित रूप से बचेगी। और साथ में धुएं से भी बचने के बहुत अच्छे उपाय बताए कि किस तरीके से यदि धुआं लग जाता है तो आपको किस तरीके से उससे बचना है। तो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसको समझा और सराहा। थैंक यू। आज अग्निशमन विभाग द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज में आज NSS के कैंप के माध्यम से तमाम बच्चे बच्चियों को, कॉलेज स्टाफ को तथा प्रधानाचार्य महोदय के साथ सभी लोगों को अग्नि से जानकारी, बचाव एवं सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई तथा हमारे साथ वरिष्ठ अग्निशामक प्रगति शर्मा जुड़ी रहीं तथा सभी बच्चों को पुनः बारंबार अग्नि से बचाव के बारे में बताया गया और जानकारी दी गई है। मैम, मेरा नाम काजल यादव है, मैं श्री गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। आज आपने क्या क्या सीखा, आग से बचाव के उपाय वगैरह ये सब बताएं? मैम, मैं NSS से कैंप कर रही हूँ और सर ने हम लोग को बहुत ही सरल तरीके के आग से बचने के उपाय बताए हैं जो कि घर में सभी के लिए उपयोग में आ सकते हैं। अगर कोई है भी नहीं बताने के लिए तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आग लगती है तो बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, गीले कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर धुआं हो रहा है तो नीचे से बैठ के भी जा सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोग रहेंगे। घबराना नहीं है और आराम से सीधे जाते हुए जाना। प्रगति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम।